तो दोस्तों फाइनली यहां पर तेजस मार्क टू को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट HAL की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि तेजस मार्क टू का रोल आउट 2026 के मध्य तक देखने को मिलेगा। तो उसी समय हमने एक संदेह यहां पर व्यक्त किया था और यहां पर बताया था कि ये चीजें यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी और अगर HAL की तरफ से यहां पर देखा जाए तो कोई भी ऐसी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि HAL की तरफ से इस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है और हर तरह से संभव प्रयास यही किया जा रहा है कि 2026 के मध्य तक या फिर 2026 के स्टार्टिंग में इसके पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट कर लिया जाए। और फाइनली इस प्रोग्राम में एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, जहां पर उनका कहना है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हो चुका है और ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन के लिए, क्योंकि चीजों को अगर यहां पर देखा जाए तो काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में HAL की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो चुकी है और ये एक क्रूशियल स्टेप है क्योंकि इनिशियल स्ट्रक्चर असेंबली जो है इसकी चल रही है और माना ये जा रहा है कि चीजें काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगी। और अपडेटेड टाइमलाइन जो यहां पर थी उसके अंदर ये कहा गया था कि मार्च 2026 तक रोल आउट देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है 2025 के अंत तक रोल आउट कर लिया जाएगा और मार्च 2026 तक इसकी पहली उड़ान को टेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि जो टाइमलाइन इसके रोल आउट के लिए यहां पर कही गई थी वो एक्चुअल टाइमलाइन ये है कि मार्च 2026 तक इसकी पहली उड़ान को प्लान करने की बात कही जा रही है। और ये जो रिवाइज टाइमलाइन HAL के सामने निकल कर आई है वो इसकी फास्टेस्ट प्रोग्रेस को दर्शाती है और यहां पर बताती है कि हमारा HAL कितने तेजी के साथ तेजस MK2 के ऊपर काम कर रहा है। हालांकि अब उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि फंड को अप्रूव करने के बाद में हमने कार्यवाही काफी तेजी से स्टार्ट की है। हालांकि जो इनिशियल प्रोटोटाइप होंगे इनका इस्तेमाल सारी टेस्टिंग के लिए किया जाएगा, यानी कि डाटा कलेक्शन के लिए एक तरह से देखा जाए तो किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो काफी स्मूथली किए जाएंगे। और कहा ये भी जा रहा है कि 4 से 5 जो प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे तेजस मार्क 2 पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर HAL की तरफ से जानकारी दी गई है कि हमने तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है और काफी डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया है और उसी डाटा को प्रोसेस करते हुए हम अपने तेजस MK2 के ऊपर काम करेंगे। और यही वजह है कि तेजस MK2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो यहाँ पर कम रखा जाएगा और उसी का परिणाम यहाँ पर देख सकते हैं कि तेजस MK2 के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है और इसके ऊपर कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं। ऐसे में आपको याद होगा जब यहाँ पर फंड्स को रिलीज किया गया था तो उसी समय से तेजस MK2 के रोल आउट की खबरों को यहाँ पर अंजाम दिया गया था। हालांकि वो खबरें जो थी वो पूरी तरह से निराधार थी, लेकिन अब आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर रोल आउट को लेकर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो टाइमलाइन है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इसको शॉर्ट एंड करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इसका जो रोल आउट है वो 2025 के एंड में किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन भी किए गए हैं और अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया जा रहा है जो कि यहां पर F414 इंजन होगा। ऐसे में दोस्तों हमने पिछली बार आपको बताया था कि अमेरिका की तरफ से ये आश्वस्त किया गया है कि भारत को बड़ी मात्रा में इंजन को प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि अभी अमेरिका जो 20 इंजन हर साल के हिसाब से डिलीवर कर रहा है उसको यहाँ पर नंबर्स को बढ़ाया जाएगा जिससे कि भारत अपने फाइटर जेट को बड़ी संख्या में प्रोडक्शन में ला सके। हालांकि आपको बता दें कि प्रोटोटाइप के लिए इंजन पहले से ही सप्लाई किए जा चुके हैं और वो जो खबरें थी यहाँ पर कि अमेरिका ने इंजन नहीं दिया है वो यहाँ पर एकदम फेक थी और आप समझ सकते हैं कि ऐसी खबरों से बिल्कुल भी आधार नहीं बनता है क्योंकि इंजन ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल चुके हैं जिनके आधार पर पहला जो प्रोटोटाइप है उसका निर्माण किया जाना है और उसके बाद में यहाँ पर 5 से 6 प्रोटोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं प्रोटोटाइप के अंदर सिस्टम टेस्टिंग, एवेनेस टेस्टिंग और रडार सेट टेस्टिंग को यहाँ पर किया जाएगा। और दोस्तों अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि 2028 से 29 तक इसको प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2028 में अगर इसको प्रोडक्शन में उतारा जाता है तो 2029 में एयरफोर्स को इसको डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 ये बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट होने वाला है
हालांकि ये एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा और ऐसे में भारत को जिस तरह की यहाँ पर जरूरत है उसी तरीके से इसको बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज को उस तरीके से लगाया जा रहा है जहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजीज को AMCA फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जाना है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो फाइटर जेट है बहुत ही एडवांस कैटेगरी में आने वाला है और इसकी एवेनिक्स और फ्यूचर्स बहुत ही उत्तम कैटेगरी में आएंगे। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ी बात जो अभी निकल कर आ रही है वो ये है कि इसके अंदर जो मटेरियल्स को यूज किया जाएगा वो एक काफी अच्छा मटेरियल है और इसको स्टेल्थनेस के लिए यूज किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि नई कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग को करते हुए भारत यहाँ पर स्टेल्थ मटेरियल को इस फाइटर जेट के अंदर यूज करने वाला है। और यहाँ पर जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो इसके ऊपर काम कर रही है और इसके मटेरियल साथ ही कई सारे कलपुर्जों को इस तरीके से बनाया जा रहा है जिससे कि रडार कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही कम हो जाए। बल्कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 के अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो काफी हल्के तौर पर बनाए जा रहे हैं और इसी के चलते इसका जो ओवरऑल वेट है वो यहाँ पर कम होगा। आपको बता दें कि NAL के द्वारा जो ऑलरेडी स्ट्रक्चरल असेंबली है इसको विकसित कर लिया गया है जिसको NAL की तरफ से ADA को सौंप दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि एडवांस जो मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और वो तेजस मार्क 2 का यहाँ पर हिस्सा बनेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भविष्य में तेजस मार्क 2 को नियमित अंतराल के अंदर अपग्रेड मिलते रहे इसका भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि आपको पता ही है कि हमारा DRDO और HL ऐसी कंपनियां हैं जो कि अक्सर अपने वेपन्स को यहाँ पर समय समय पर अपग्रेड्स देती रहती हैं और इसीलिए अगर देखा जाए तो हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर अपडेट होते हुए हमेशा तराशे जाते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होते रहेंगे उनका इंटीग्रेशन उतना ही आसान होता रहेगा। सबसे खास इम्प्रूवमेंट जो देखने को मिलेगा वो तेजस के पुराने मॉडल्स के तुलना में नए मॉडल्स में देखने को मिलेगा वो है एक मॉड्यूलर डिजाइन फिलॉसफी जो कि इंजन बे तक है। और तेजस मार्क 2 के अंदर इंजन बे को अगर देखा जाए तो इसका सीधा मतलब यह है कि मौजूदा तेजस मार्क 2 भले ही जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा लेकिन आने वाले भविष्य में जब 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनकर विकसित